नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप गंगवार और स्वागत है आपका आज के पार्ट में, जिसमें हम एक एरर सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली ये एरर है, सोल्यूशन भी आसानी से नहीं मिलता। ये मेरा वेब पेज है। अब मैं यहाँ से कभी नेविगेट करता हूँ किसी पेज पे, होता क्या, हमारे सामने एरर आ जाती है, जैसे सर्वर एरर, रिसोर्स कैन नॉट बी फाउंड। एरर को हम कैसे सॉल्व करेंगे, दो तरीके मैं बताऊंगा। एक तो सबसे सिंपल है कि आपके जो यूआरएल है उससे पहले स्लैश लगा हुआ है या तो, या फिर एक और समस्या है उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं तो चलते हैं। देखिए दो चीजें हैं। पहली चीज आप क्या करें, आपने जो यूआरएल दे रखा है, ये यूआरएल इससे पहले स्लैश नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ऐसे स्लैश होता है कई बार, स्लैश नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप उसको हटा दीजिए। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, उसके .aspx पेज पे सबसे ऊपर देखिए कोड बिहाइंड फाइल .cs फाइल है, उसके उसका टैग होगा कोड बिहाइंड। आप उस टैग को चेंज करिए, कोड फाइल लिखिए ना कि कोड बिहाइंड। इसको डिलीट कर दीजिए और कोड फाइल कर दीजिए। जहाँ भी आपके ऐसे लिंक्स हैं, ये देखिए कोड बिहाइंड, इसको भी मैं कोड फाइल कर देता हूँ। इसको आप सेव कर दीजिए। बिल्ड सॉल्यूशन, ये देखिए आपका बिल्ड सक्सीड आ गया। और बस अब हम इसको रन कराते हैं और अब आप कहीं भी नेविगेट करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप क्लिक करिए, जो भी पेज पे आप जाएंगे, नो इशू। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों ने नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। नए वीडियो से आप अपडेटेड रहेंगे। एक्सेल, सी शार्प, HTML, बहुत सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू, बाय बाय।